हाय गाइस, आई एम डॉक्टर विनोद पंकज मिश्रा एंड यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश सो डियर फ्रेंड्स इस इन प्रकार के सेंटेंस देखिए जैसे गुस्सा तुम पर अच्छा नहीं लगता है वह अपनी माँ के जैसे दिखती है कृपया अपना परिचय कराइए मैं कपड़े कहाँ टांगूँ अगले माह से शुरू वह क्या कर रही है वह मेकअप कर रही है वह समझदार है मेरे बगीचे से आम मत तोड़ो यह जरूरी नहीं है आप जानते क्या हैं सब कुछ उस पर छोड़ दो नियमों का पालन करो तो इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं यदि इन सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट तथा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और लाइक और शेयर करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सकें और एक एक करके मैं इन सेंटेंसेस को बता रहा हूं कि कैसे इनको ट्रांसलेट करते हैं जैसे गुस्सा तुम पर अच्छा नहीं लगता यदि कोई व्यक्ति गुस्सा होता है तो उसका चेहरा बिगड़ जाता है इसलिए हम कहते हैं एंगर यू एंगर डजेंट शूट यू आपको गुस्सा अच्छा नहीं लगता किसी को भी गुस्सा किसी के भी चेहरे पर अच्छा नहीं लगता है वह अपनी माँ के जैसे दिखती है कई बार हम किसी भी लड़की को देख करके बोलते हैं कि वह बिल्कुल अपनी माँ की तरह है तो हम इसको बोलते हैं सी रिजेंबल्स सी रिजेंबल्स हर मदर हर मदर सी रिजेंबल्स हर मदर कृपया अपना परिचय कराइए जब कभी भी आप कहीं पे जाते हैं तो लोग अक्सर बोलते हैं कि कृपया अपना परिचय कराइए तो इसको बोलेंगे इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इंट्रोड्यूज योर सेल्फ जब कोई भी मेहमान किसी दूसरे के घर में जाते हैं या कोई भी व्यक्ति दूसरे के घर जाता है तो उसको नहीं मालूम होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है यदि आपके आप भी किसी के यहाँ गए हैं और अपने कपड़े उतार कर टांगना चाहते हैं तो बोलते हैं मैं कपड़े कहाँ टांगूँ इसको बोलेंगे वेयर डू आई हैंग द क्लॉथ्स हैंग द क्लॉथ्स वेयर डू आई हैंग द क्लॉथ्स हैंग मतलब टांगना अगले माह से शुरू कई बार हम बोलते हैं कि यह कार्यक्रम अगले माह से शुरू होने वाला है तो अगले माह से शुरू इसको बोलेंगे स्टार्टिंग स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट मंथ डियर फ्रेंड्स शादी का माहौल था और जब दुल्हन को बार बार बुलाया जा रहा था वो नहीं आ रही थी तो लोगों ने पूछा वह क्या कर रही है वह क्या कर रही है इसको बोलेंगे वाट इज सी डूइंग वाट इज सी डूइंग वह क्या कर रही है और यदि वो कहना चाहते हैं कि वह मेकअप कर रही है मेकअप कर रही है तो मेकअप करने के लिए हम अप्लाई वर्ड का यूज करते हैं सी इज सी एज अप्लाइंग मेकअप सी इज़ अप्लाइंग मेकअप इसी प्रकार अप्लाई के लिए जैसे साबुन लगा रहे हैं तो अप्लाई सोप यदि पाउडर लगा रहे हैं अप्लाई पाउडर इस प्रकार से इसके लिए करते हैं वह समझदार है कई बार हम व्यक्ति बोलते हैं वह सभी के दुःख दर्द को समझता है क्योंकि वह एक समझदार व्यक्ति है तो वह एक समझदार व्यक्ति इसको बोलेंगे ही इज अ सेंसिबल मैन इज अ सेंसिबल मैन वह समझदार व्यक्ति है डियर फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि कोई कोई किसी किसी को गार्डनिंग का बहुत शौक़ होता है वो उसकी हॉबी होती है और तरह तरह के फल या फ्रूट्स अपने गार्डन में लगाते हैं लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उनको तोड़ने लगते हैं तो यदि आप कहना चाहते कि मेरे बगीचे से आम मत तोड़ो तो बोलेंगे डोंट प्लक फल और फूल दोनों को तोड़ने के लिए हम प्लग का यूज करते हैं डोंट प्लग मैंगोज़ फ्रॉम माय गार्डन फ्रॉम माय गार्डन डोंट प्लग मैंगोज़ फ्रॉम माय गार्डन मेरे बगीचे से आम मत तोड़ो यह ज़रूरी नहीं है कई बार कुछ चीज़ें होती हैं वो आ, आ, किसी भी चीज़ के लिए कंपलसरी होती हैं जरूरी होती हैं जिनके बिना काम नहीं होता है लेकिन आप कहना चाहते हैं कि यह ज़रूरी नहीं है तो इसको बोलेंगे इट इज़ नॉट कंपलसरी Compulsory जैसे कभी कभार किसी पोस्ट के लिए बोलते हैं कि जो है एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है एक्सपीरियंस इज़ नॉट कम्पल्सरी इस प्रकार से जब कोई किसी के व्यक्ति के बारे में बहुत गलत कुछ बोलने लगता है तो वो बोलता बोलना चाहता है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप जानते क्या हैं आप जानते क्या हैं तो इसको बोलेंगे वाट डू यू वाट डू यू नो आप जानते क्या हैं? और जब कोई हमको जवाबदार व्यक्ति जिम्मेदार व्यक्ति मिल जाता है तो हम कहते हैं कि अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है सब कुछ उस पर छोड़ दो तो इसको बोलेंगे लीव एवरी थिंग एवरी थिंग ऑन हिम लीव एवरी थिंग ऑन हिम सब कुछ उस पर छोड़ दो और डियर फ्रेंड्स कहीं कहीं किसी किसी इंस्टीट्यूट में जो होते हैं रूल बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं और कहते हैं नियमों का पालन करो तो नियमों का पालन करो ओवे द रूल्स इसको बोलेंगे ओवे द रूल्स तो डियर फ्रेंड्स इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसी प्रकार के सेंटेंस हम मॉर्निंग टू इवनिंग अपने फ्रेंड के साथ कन्वर्सेशन में यूज करते हैं तो यदि आप भी इस प्रकार के सेंटेंस को यूज करना चाहते हैं तो इन सेंटेंसेस को बार बार पढ़िए बार बार लिखिए केवल बार बार सुनिए क्योंकि आप सुन कर भी इनको आप आ, 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 याद कर सकते हैं और इनकी प्रैक्टिस करके बोल सकते हैं एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक मैं देख रहा हूँ गुस्सा अच्छा नहीं लगता गुस्सा तुम पर अच्छा नहीं लगता है दूसरा सेके, सेकेंड सेंटेंस लिखा हुआ है कि वह अपनी माँ के जैसे दिखती है सी रिजेंबल्स हर मदर सी रिजेंबल्स हर मदर कृपया अपना परिचय कराइए इंट्रोड्यूज योर सेल्फ इंट्रोड्यूज़ योर सेल्फ मैं कपड़े कहाँ टांगूँ वेयर डू आई हैंग द क्लॉथ्स वेयर डू आई हैंग द क्लॉथ अगले माह से शुरू स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट मंथ वह क्या कर रही है व्हाट इज सी डूइंग व्हाट इज सी डूइंग वह मेकअप कर रही है सी इज अप्लाइंग मेकअप सी इज़ अप्लाइंग मेकअप वह समझदार है ही इज अ सेंसिबल मैन ही इज अ सेंसिबल मैन मेरे बगीचे से आम मत तोड़ो डोंट प्लक मैंगोज फ्राम माई गार्डन डोंट प्लक मैंगोज फ्राम माई गार्डन यह जरूरी नहीं है इट इज़ नॉट कम्पल्सरी इट इज़ नॉट कंपल्सरी आप जानते क्या हैं व्हाट डू यू नो व्हाट डू यू नो सब कुछ उस पर छोड़ दो लीव एवरीथिंग ऑन हिम लीव everything on ऑन हिम और नियमों का पालन करो ओवे द रूल्स ओवे द रूल्स तो डियर फ्रेंड इसी प्रकार के सेंटेंस आप अपनी डेली लाइफ में यूज करिए आई होप कि आपको इस प्रकार के ये सेंटेंस पसंद आए होंगे यदि पसंद आए हो तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए शेयर करिए और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके थैंक यू फॉर वॉचिंग